Hello friends, once again you all are welcome to my channel IITian Explains. तो जिस टॉपिक के साथ आज हम आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसको मैंने पर्सनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाते टाइम टीचिंग के टाइम मैंने फील किया यहाँ पर डिफिकल्टीज आती है और ये टॉपिक आज का हमारा क्या है, ये टॉपिक आज का हमारा है कीटोन्स। और कीटोन्स के अंदर कौन सा टॉपिक है, ये कीटोन्स के अंदर है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। यस, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स में आप क्या नया बताने जा रहे हो। देखो, मैं कुछ नया बताने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टकट टिप्स एंड टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ जिसका यूज करके आप जेई मेंस एडवांस और एम्स के प्रॉब्लम में यू चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं। आप पहली बात पेन और नोटबुक लेके बैठेंगे, जो इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो से निकल के आएगी आप उसको एट द टाइम नोट कर लेंगे। और दूसरी बात, जो हमारा प्रॉब्लम सेक्शन होगा या जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स या कुछ और भी डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जिनको हम अटेम्प्ट करेंगे, उनको आप जरूर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो पहले मैं एक बार आपको कंटेंट बता दूं आज का हमारा कंटेंट क्या है। आज हम पढ़ेंगे कीटोन्स के ऑक्सीडेशन को डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके। डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप यूज करोगे तो कीटोन्स कैसे कैसे ऑक्सीडाइज्ड होगा, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन क्या होता है, पॉप्स रूल क्या होता है। यस, पॉप्स रूल काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने देखा, यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने देखा बहुत कम ऐसे लेक्चर्स हैं जो कि पॉप्स रूल पे बेस्ड है। तो हमने कोशिश की है इस बार एक ऐसा लेक्चर बनाने की जो कि पॉप्स रूल से रिलेट हो और जिसमें आप पॉप्स रूल का यूज करके प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स बना सको। यस, तो आज हम बात करेंगे इन टॉपिक्स को। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलो, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और अगर आपको समझ आ जाए, आपको आईआईटी के प्रॉब्लम्स बनने लगे, मेडिकल के प्रॉब्लम्स बनने लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे इस चैनल को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कीटोन्स की। तो देखो, कीटोन्स बेसिकली आपको पता है मोस्ट स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड है। मतलब आप अगर इसको ऑक्सीडाइज करना चाहो तो ये जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो अगर नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम लेते हैं, जो हाइपोक्लोरस एसिड हो गए, सिल्वर ऑक्साइड हो गए, टॉलेंस रिएजेंट हो गए, या जो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। तो कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें यूज करने होंगे, हमें कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने होंगे जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, मतलब बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन कौन से हैं? तो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन बेसिकली ये तीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, या आप बोल सकते हो एल्केलाइन KMnO4। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बहुत जल्दी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, खुद रिड्यूस्ड हो जाएगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड कर देगा, इसीलिए बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा हमारे पास है अल्कलाइन KMnO4, यहां पर भी मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पर नाइट्रोजन +5 में था, तो ये फर्दर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये दो बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप इनका यूज करके कीटोन्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हो। चलो भाई, दूसरा हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है X2 और KOH, या आप बोल सकते हो X2 और NaOH। इसको आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ये हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन में यूज होगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन। थर्ड और मेरा सबसे फेवरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कीटोन्स के केस में, और ये क्या है, ये है हमारा CF3C OOH। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं Trifluoroperoxyacetic एसिड। और दूसरा हमारे पास एकदम जस्ट लाइक जैसे आपने वो हॉलीवुड मूवी देखे हुए ना, सुपरमैन सुपर पावर वाला, वैसा ही एकदम सुपरमैन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको बोलते हैं Metachloroperoxybenzoic एसिड। ठीक है, अगर आपको इसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही है तो देखो कुछ नहीं, बहुत आसान है, पहले हम पेरोक्सीबेंजोइक एसिड बना देंगे COOOH और मेटा पोजीशन पे क्लोरीन को लगा दो, ये हो गया मेटा क्लोरो पेरोक्सीबेंजोइक एसिड। इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके आप कीटोन को
easily oxidized कर सकते हो. बात समझ में आ रही है? तो ketones को oxidized करना बहुत tough होता है, but impossible नहीं होता है. आप ketones को easily oxidized कर सकते हो अगर इन oxidizing agent को आप use करो तो. ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले आ जाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पे. देखो, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये कीटोन्स को ऑक्सीडाइज कर देगा. बट कंडीशन क्या है, आपके पास अल्फा CH2 ग्रुप होना चाहिए. अगर आपके पास एक ऐसा कीटोन है जिसके अल्फा पोजिशन पे CH2 है तो ऑक्सीडेशन होगा, अदरवाइज ऑक्सीडेशन कभी भी नहीं हो सकता है. बात समझ में आ रही है? या तो आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करो या तो आप अल्कलाइन KMnO4 यूज करो, लेकिन कंडीशन है अल्फा पोजीशन पे एक CH2 होना चाहिए. अब मान लो हमारे पास अगर कोई ऐसा CH3CH CH3CO, ठीक है, और यहां मान लो एक हमने फिनाइल लगा दिया. देखो, कहने को तो ये भी कीटोन है ना, कीटोन बाबा, कीटोन है. देखो, CO इधर इधर दोनों, बट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड और अल्कलाइन KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि इसके अल्फा पोजीशन पे CH2 नहीं है, दो हाइड्रोजन नहीं है. देखो, इसके अल्फा पे अगर हम बात करें, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा. बात समझ में आ गई? यस. अब मान लो कि अगर हमने कोई ऐसा कीटोन बना दिया है, अगर हमने डाइफिनाइल कीटोन बना दिया, अब मैं अगर बोलूं कि इसका ऑक्सीडेशन क्या ये कर पाएगा कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड अल्कलाइन KMnO4, आंसर इज नो. बात समझ में आ गई? तो जो एसेंशियल कंडीशन है, दैट्स नॉट एसेंशियल कंडीशन, दैट इज मैंडेटरी कंडीशन, कि आप ऑक्सीडेशन उसी कीटोन का कर पाओगे जिस कीटोन के पास एटलीस्ट वन CH2 ग्रुप होगा, एक CH2 ग्रुप होगा. बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसको डिटेल करने जा रहे हैं, ये कैसे काम करेगा. ठीक है, तो चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में टॉपिक है ये, अभी अभी आप प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे जेई के. देखो, अब हम क्या करेंगे, जो कीटोन्स है, दो तरह के होंगे कीटोन्स हमारे पास, एक होते हैं सिमेट्रिकल और एक होते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन. तो अगर मान लो हमारे पास CO ग्रुप है और हमने लगा दिया CH2CH3 और इधर भी लगा दिया CH2CH3, इथाइल ग्रुप लगा दिया, डाइथाइल कीटोन. देखो, यहां पर भी अल्फा CH2 है और यहां पर भी अल्फा CH2 है और दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट है, सिमिलर है. तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाता हूं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और एल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो देखो क्या होगा. होगा क्या, ये CH2 ग्रुप अगेन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा या ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा. अगर मान लो इसको आप ऑक्सीडाइज करोगे, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा COOH ग्रुप में, तो क्या हो जाएगा, CH3COOH, तो बन गया इथेनोइक एसिड, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अगेन COOH ग्रुप में, तो बन गया प्रोपेनोइक एसिड. अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करते तो इस साइड से हो जाता इथेनोइक एसिड और इस साइड से हो जाता प्रोपेनोइक एसिड. तो आप किसी भी साइड से क्लीवेज करवाओ, या इस साइड से या तो इस साइड से, या आप ऐसे कर सकते हो ऑपोजिट वे में, आंसर आपका सेम आएगा, इथेनोइक एसिड आएगा और प्रोपेनोइक एसिड आएगा. ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से एक शॉर्टकट बता देता हूं, कोई जरूरत नहीं इतना दिमाग लगाने की. सीधा सा आप काम करोगे, अगर सिमेट्रिकल है तो CH3 मान लो, CH2 मान लो, CH2 मान लो, CO मान लो, CH2 CH2 CH3, ये एक सिमेट्रिकल कीटोन है. तो अल्फा को चूज कर लो, ये अल्फा है, इसको रिप्लेस कर दो COH से और इसको रिप्लेस कर दो COH से, दैट्स ऑल, हो गया, बस हो गया. यस, अगर आप इसको रिप्लेस कर दो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो गया COH में, तो आपके पास एसिड हो गया CH3CH2COH, और अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं एसिड में, तो आपका एसिड हो गया CH3CH2CH2COH, तो बन गया प्रोपेनोइक एसिड एंड ब्यूटेनोइक एसिड, दैट्स ऑल. तो बिल्कुल भी दिमाग पे जोर मत डालो, बहुत आसान सा टॉपिक है. अगर सिमेट्रिकल कीटोन है, दोनों तरफ एक जैसे अल्फा CH2 है, किसी भी एक को ऑक्सीडाइज कर दो, जो ऑपोजिट साइड में बच गया उसके कार्बोनिल ग्रुप को भी COH में कन्वर्ट कर दो, टू डिफरेंट एसिड बनेंगे सिमेट्रिकल कीटोन के केस में. चलिए अब जल्दी से आ जाते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन के केस पे क्या होगा. ठीक है, तो देखो, अनसिमेट्रिकल कीटोन के केस में, तो पहले मैं आपको समझा देता हूं, अगर बात आएगी
अनसिमेट्रिकल कीटोन की। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन किसको बोलते हैं, आपका बीच में CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, और इस साइड एक डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होगा और दूसरी तरफ एक दूसरा एल्काइल ग्रुप होगा, इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन। इसका ऑक्सीडेशन अगर करवाओगे तो डिफिकल्टी आती है, क्या कि एक तरफ मान लो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ लार्जर एल्काइल ग्रुप है और दोनों के पास CH2 है, तो आप किसको ऑक्सीडाइज करोगे। अगर मान लो आपने लेफ्ट साइड वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज किया जिधर छोटा एल्काइल ग्रुप है तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, और अगर आपने लार्जर साइड को किया तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, तो डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं, 4 प्रोबेबिलिटी है जिसमें से करेक्ट तो ओनली एक ही होगा। तो अब क्या किया जाए इस कंडीशन में, तो इसका सॉल्यूशन पॉप्स ने निकाला। सबसे पहले पॉप्स ने कुछ ऐसे आइडियाज दिए जिनका यूज करके आप अनसिमेट्रिकल कीटोन को इजिली ऑक्सीडाइज कर सकते हो, यस, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन खास तौर पे जेईई एडवांस और एम्स में आते हैं। तो बिल्कुल जो बच्चे इस वीडियो को जेईई एडवांस, बिटसैट और एम्स के लिए देख रहे हैं उनके लिए हाइलाइटेड पॉइंट अब आने जा रहा है। अगले 5 मिनट तक आप अपने को 100% कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए जो टॉपिक अब आएगा। क्या है कि अगर मान लो हमारे पास CH3, CH2, 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 CO, CH2, CH2, CH3 है, मान लो मैंने ऐसा कोई एक कीटोन बनाया, तुम देख पा रहे हो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप के इस साइड 4 कार्बन की चेन है और इस साइड 3 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन चेन और इस साइड आपका है 3 कार्बन चेन। तो अब क्वेश्चन आता है कि किसको ऑक्सीडाइज किया जाए, यहां पर भी अल्फा CH2 है और यहां पर भी अल्फा CH2 है, अगर आप ऑक्सीडाइज इस साइड करोगे तो ये बना लेगा प्रोपेनोइक एसिड और इस तरफ आपको बन जाएगा पेंटेनोइक एसिड, और अगर इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बना लेगा ब्यूटेनोइक एसिड और ये बना लेगा ब्यूटेनोइक एसिड, 2 moles ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। तो प्रॉब्लम तो आ गई, आप समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, प्रॉब्लम आ गई। तो पॉप्स का कहना हुआ वो CH2 ग्रुप जो लार्जर एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है आप उसका ऑक्सीडेशन करो। बात समझ में आई, ये CH2 ग्रुप 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ये CH2 ग्रुप 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, तो प्रायोरिटी है कि आप इस वाले ग्रुप को ऑक्सीडाइज करो। तो ये वाला ग्रुप कंसिडरेशन के अंदर आएगा और ये CH2 कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, और ये जो आपका रिमेनिंग पार्ट हुआ इसका ये CO कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। प्रोडक्ट आ जाइए देख लेते हैं, इस साइड का प्रोडक्ट हो गया CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है, इस साइड का प्रोडक्ट हो गया CH3 CH2 CH2 COOH, मतलब आपको ब्यूटेनोइक एसिड फॉर्म हुए, ब्यूटेनोइक एसिड एंड दिस इज आल्सो ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए चल कुछ प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम कैसे थे, बहुत आसान थे। आपको बोला गया था एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड था, यहां पर CO लगा दिया, यहां पर CH3 लगा दिया, बोला गया बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, कंडीशन से क्या बनेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरफ तो CH2 है ही नहीं, इधर तो मिथिलीन ग्रुप है ही नहीं, तो मिथिलीन ग्रुप इधर नहीं है तो इसका तो ऑक्सीडेशन होना नहीं है, होना है इसका ऑक्सीडेशन, ये तो लिंकेज कहां से ब्रेक करेगा, यहां से ब्रेक करेगा, तो ये एक आपका ये वाला जो कार्बन कार्बोनिल कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और ये वाला भी कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो चलिए इसको हम फ्लैट कर देते हैं, फ्लैट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच सी एच सी एच थ्री, ये हो गया, इसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 3, तो आप दे दीजिए 3, 1 2 3, 1 2 3, और यहां पे हो गया सी ओ ओ एच ग्रुप। बात समझ में आ रही है, कितने कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये कंपाउंड आपका फॉर्म हो गया। एक और प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम लेते हैं, मुझे ईयर तो बिल्कुल सही याद नहीं आ रहा है कि किस ईयर में पूछा गया था, बट ये प्रीवियस ईयर जेई का प्रॉब्लम है, उन्होंने पूछा था कि साइक्लोहेक्सेनॉन का प्रोडक्ट बनाना था और उन्होंने क्या रखा था, उन्होंने रखा था एल्कलाइन KMnO4 और हीट कर दिया। क्लीवेज देखिए दोनों तरफ एक जैसे हैं, इधर भी CH2 है इधर भी CH2 है, या तो इधर से ब्रेक कर दो या तो इधर से ब्रेक कर दो, कोई फर्क पड़ नहीं जा रहा, प्रोडक्ट एक ही जैसा होगा, ये COH में कन्वर्ट होगा, ये CH में कन्वर्ट होगा, बीच में 4 कार्बन है, तो क्या हो गया, याद आया यस बिल्कुल सही याद आ गया आपको, ये है COOH और यहाँ पे हो गया CH2 होल 4
और यहाँ हो गया COOH, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको बोलते हैं क्या, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड या हेक्सेन 16 डायोइक एसिड। तो ये तो था हमारा अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के केस में हम पॉप्स रूल लगाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पॉप्स रूल में उस CH2 ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा जो CH2 ग्रुप लार्जर चेन के साथ कनेक्ट होगी। बात समझ में आ गई? यस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बढ़ते हैं, और ये टॉपिक हमारा क्या है, ये टॉपिक है हेलोफॉर्म रिएक्शन। आपको पता होगा हेलोफॉर्म रिएक्शन, या आपको बोल सकते हो H2NaOH के साथ हीट करना है आपको। H2 मतलब क्या हो गया आपका, H2 मतलब हो गया हैलोजन, आपको हैलोजन रखना है और आपको एक स्ट्रॉन्ग एल्कली रखनी है, और हो सके तो आप हाइड्रोलाइसिस भी बाद में करवा दोगे, ये ऑप्शनल है प्रोसेस को रैपिड करने के लिए। तो आपको यूज करना है हैलोजन और आपको यूज करना है क्या, एक पावरफुल एल्कली, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप यूज कर सकते हो ब्रोमीन KOH, आप यूज कर सकते हो आयोडीन NaOH, ये दो बहुत कॉमन है क्योंकि ये लिक्विड होता है, तो आप इसको मिक्स करके लैब में इजिली प्रिपेयर कर सकते हो इस रिएजेंट को। आयोडीन आपका सॉलिड होता है, NaOH के साथ इजिली प्रिपेयर कर सकते हो, क्लोरीन गैस होता है, तो क्लोरीन को KOH या NaOH के साथ मिक्स करके देन रिएक्शन को करवाना प्रैक्टिकली अ लिटिल बिट टफ, तो ये दोनों आपके आसान होते हैं, लैब में इजिली करवाया जा सकता है। अब देखो क्या होगा, इसके लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है, जैसे प्रीवियस केस में मैंडेटरी कंडीशन क्या था, अल्फा CH2 ग्रुप होना चाहिए, फिलहाल मैंडेटरी कंडीशन है अल्फा CH3 होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन, ट्रस्ट मी बहुत आसान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, टॉपिक तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। देखो अगर मान लो मैंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से बना दिया CH3, देखो इधर तो नहीं है CH3 बट इधर CH3 है, अगर मैं इसको ब्रोमीन वाटर और KOH के साथ हीट कर दूं क्या होगा, ये CH3 आयडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आयडोफॉर्म CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला जो ग्रुप है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे COOH। बात समझ में आ रही है, एसिड में ये कन्वर्ट हो गया। चलिए कुछ और हम ले सकते हैं कंपाउंड, मान लीजिए कि अगर हमने मिथाइल फिनाइल कीटोन ले लिया है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाता हूँ, ये आयोडीन और NaOH के साथ होता है, ये लैब एक्टिविटी भी आपकी होगी, तो अगर आप इसके साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड और बन जाएगा आपका आयडोफॉर्म। तो याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीटोन्स में गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, पहले रीजनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते थे, ZMI में आते थे, AIIMS में आते थे, अब ये थोड़ा ऑब्सोल्यूट हो गया है क्योंकि एग्जामिनर को पता चल गया है कि बच्चे भी समझ गए हैं ये क्या होता है, तो आपको भी ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए वैसे कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन हो, मतलब जस्ट उसके पास एक मिथाइल ग्रुप हो, तो अगर आप हैलोजन और एल्कली यूज करोगे तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में और एक साइड प्रोडक्ट में बनाएगा आयडोफॉर्म। तो ये हमारा सेकंड रिएक्शन था, आपने देखा, फिर से रिपीट कर दूं, H2NaOH है, हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते हैं, हैलोजन आपको रखना है, बेसिकली ब्रोमीन आयोडीन हैलोजन यूज होगा, KOH और NaOH और अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा, आयडोफॉर्म बना देगा। अगर आप इसको फिर से CH3CO के टर्म में रखेंगे तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इस ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा यहाँ, और ये CH3 बना लेगा आयडोफॉर्म, बस दैट्स ऑल, आपको बस इतना समझना है। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बना के दे दूं, मान लो मैं आपको ऐसे दे दूं, अगर मैंने फिनाइल लगा दिया और मैंने इधर CO लगा दिया, इधर मैंने फिनाइल लगा दिया, मान लो ये ए ऑप्शन है, बी अगर मैंने किया, मैंने फिनाइल लगा लिया, मैंने CO लगा दिया और यहाँ पे मैंने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, मान लो थर्ड ऑप्शन में मैंने एक फिनाइल लगा दिया, एक CO लगा दिया और यहाँ पर CCl3 लगा दिया, और मान लो लास्ट ऑप्शन में मैंने एक फिनाइल लगा दिया, हाँ, और CO लगा दिया और यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, देखो क्या इसमें अल्फा CH3 ग्रुप है, नहीं देगा, क्या इसमें अल्फा CH3 है, नहीं ये नहीं है, बीटा CH3 है, नहीं देगा, क्या ये देगा अल्फा CH3 है, नहीं है, नहीं देगा, क्या इसमें अल्फा CH3 है, नहीं है, नहीं देगा। तो इन चारों में से कोई भी ऐसा नहीं है
जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। तो एसेंशियल कंडीशन क्या हो गया हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए, आपके पास अल्फा सी एच थ्री होने चाहिए, अगर है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दैट्स ऑल, फिनिश्ड द टॉपिक। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आते हैं, ये टॉपिक जेईई एडवांस एम्स और बिटसेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगले 5 मिनट तक टोटली कॉन्सेंट्रेट होकर आप रहिए और इस बात को समझिए। थर्ड जो टॉपिक हमारे पास निकल के आता है, ये टॉपिक है थर्ड, आपको ऑक्सीडेशन करवाना है पर एसिड्स के प्रेजेंस में, पर एसिड्स। अब पर एसिड्स कौन कौन चूज करने हैं आपको, CF3COOH, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ट्राई फ्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। या दूसरा, ये मेरा बहुत फेवरेट है, MCPBA, इसको क्या बोलते हैं, मेटा क्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो ये क्या होता है, तुमने ऐसे लेना है, यहाँ क्लोरो लगाना है, यहाँ पे CO लेना है, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे H, इसको बोलते हैं मेटा क्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात आपको बस दो बात है जो मैं आसान कर दे रहा हूं। अगर आपके पास नॉर्मल कीटोन्स है, नॉर्मल बोले तो एलिफैटिक कीटोन्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साइक्लिक कीटोन्स, इन केस ऑफ एलिफैटिक कीटोन्स दिस रिएजेंट विल प्रोड्यूस अ सिंपल एस्टर, बट इन केस ऑफ अ साइक्लिक कीटोन इट विल प्रोड्यूस अ लैक्टोन्स। बस समझ में आ रही है, अब ये कैसे प्रोड्यूस होगा, देखो तो अगर आपके पास एलिफैटिक कीटोन्स हैं, एलिफैटिक कीटोन्स का मतलब ओपन चेन कीटोन्स, ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा एस्टर में, और अगर आपके पास साइक्लिक कीटोन्स हैं तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा लैक्टोन्स में। तो ये जो एलिफैटिक कीटोन का एस्टर में कन्वर्शन है, ध्यान से सुने, ये जो एलिफैटिक कीटोन्स का एस्टर में कन्वर्शन है इसको बोलते हैं बेयर, यस यस यस, बेयर-विलिगर रिएक्शन या Baeyer-Villiger ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली एलिफैटिक कीटोन्स और साइक्लिक कीटोन्स का ऑक्सीडेशन इन पर एसिड्स के प्रेजेंस में होता है ट्राइफ्लोरोपेरोक्सी एसिटिक एसिड, एंड दिस वाज योर मेटा क्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, उस टाइम मैंने इसको बेंजोइक बोला था, एक्चुअली यहां तो रिंग है ही नहीं, ये एसिटिक एसिड है, तो ये क्या हो गया ट्राइफ्लोरोपेरोक्सी एसिटिक एसिड, और ये हो गया मेटा क्लोरोपेरोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इनके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा, तो एलिफैटिक कीटोन्स कन्वर्ट हो जाएंगे एस्टर में और साइक्लिक कीटोन्स कन्वर्ट हो जाएंगे लैक्टोन्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए अगर हमने रखा है CH3COCH3, और अगर हम यहां पे रख दे CF3COOH, ये हो गया ट्राइफ्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो एक ऑक्सीजन सिर्फ ऐड हो जाएगा, या तो इस तरफ ऐड कर दीजिए या तो इस तरफ ऐड कर दीजिए, एक ही बात है क्योंकि सिमेट्रिकल कीटोन है, CH3COOCH3, दैट्स ऑल। लेकिन अगर बात आती है अनसिमेट्रिकल कीटोन के केस में, तो हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे, देखो अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, लाइक अगर हमने ले लिया CH3CO, ठीक है, CH2CH3, या अगर मान लो हमारे पास है CH3CH CH3CO और CH3, तो क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसे कंपाउंड हो तो आप क्या करोगे, घबरा गए होगे, क्या करेंगे, अरे सर क्या करेंगे, अरे सर सर क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं करेंगे। आपको मैं एक ऑर्डर दे रहा हूं, ये मैं ट्रिक आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूं, और इस ऑर्डर को अगर आप दिमाग में रखो तो कैसा भी क्वेश्चन हो Baeyer-Villiger का, या कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर लोगे। अब वो ऑर्डर क्या है, आपको सबसे पहले ऑक्सीडाइज करना होगा एच को अगर है तो, देन आफ्टर आपको 3 डिग्री प्रायोरिटी देनी होगी, 3 डिग्री कार्बोकेटायन या 3 डिग्री ग्रुप को, देन आफ्टर आपको देना होगा 2 डिग्री को, देन आफ्टर आपको देना होगा फिनाइल को, देन आफ्टर आपको देना होगा 1 डिग्री को, ऑर्डर याद रखेंगे। अब देखिए अगर मैं ऑक्सीजन को ऐड करवाऊं तो हम क्या देख रहे हैं इस केस में, ये एक CH3 से कनेक्टेड है
और ये कार्बन CH2CH3 से कनेक्टेड है, तो आप ऑक्सीजन को पुट करोगे कहाँ, इस तरफ पुट करोगे। क्यों पुट करोगे, क्योंकि ये कार्बन दो अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड है, इससे भी और इससे भी, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, तो हम इसको ऐसे पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा CH3CO CH2CH3। अब मान लो इस केस में अगर ऑक्सीडेशन आप करते हो, तो इस तरफ मिथाइल है और ये कार्बन 1, 2, 3 कार्बन से कनेक्टेड, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन यहां पर आएगा, क्योंकि प्रायोरिटी में हम 3 डिग्री को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3CH CH3, और क्या हो जाएगा हमारे पास OCO और हो जाएगा CH3, हो गया। That's all. अब आप सोच रहे होगे सर एक फिनाइल वाला एग्जांपल दे दो। लो बिल्कुल फिनाइल का एग्जांपल दे देते हैं। मान लो कि हमारे पास अगर कंपाउंड ऐसा है CO और CH3, और अगर इसका ऑक्सीडेशन अगर हम MCPBA से करवाएं, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन यहां नहीं जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी फिनाइल को ज्यादा दी जाती है मिथाइल के कंपैरिजन में, तो ये यहां पुट हो जाएगा। बस देखो आप बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स कर रहे हो प्रीवियस ईयर कंपटीशन के। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ऐसे ओ आ जाएगा, CO आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ये हो गया आपका फिनाइल एसिटेट। बिल्कुल बात आपको समझ में आ गई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में आप ऑक्सीजन को किस तरीके से पुट करोगे। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन को पुट करने के लिए आपके पास कोई वैसा कंडीशन नहीं था जैसा कि पहले में था। फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि हमारे पास अल्फा CH2 ग्रुप होने चाहिए। अब भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर कीटोन में अल्फा CH2 ग्रुप हो, तो प्रॉब्लम। तो अल्फा CH2 ग्रुप अगर हो गए तो लगा दो अल्कलाइन KNO4 नाइट्रिक एसिड। अगर अल्फा CH2 ग्रुप नहीं, आपके पास अल्फा पोजीशन पे CH3 नजर आ रहे हैं, जैसे कि एसीटोन है आपके, जैसे कि आपके एसिटोफिनोन है, इन कंपाउंड्स में आप हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखा दो, हैलोजन ले लो, ब्रोमीन या आयोडीन और KOH या NOH के प्रेजेंस में हीट कर दो, आयोडोफॉर्म बन जाएगा और एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर बात हमारे पास क्या आई, अगर मान लो ना तो अल्फा CH2 ग्रुप है ना ही आपके पास CH3 ग्रुप है, अगर दोनों चीजें आपके पास नहीं है, तो फिर कैसा भी कीटोन ले आओ उसको ऑक्सीडेशन करवा दो इन सुपरमैन से। मैंने बोला था ना सुपरमैन, इन सुपरमैन से। ये क्या है CF3COH या मेटाक्लोरोपेरॉक्सीबेंजोइक एसिड, ये क्या करेंगे डायरेक्टली एड कर देंगे ऑक्सीजन को। किधर, अगर पहले एच हुआ तो, एच हुआ का क्या मतलब है, अगर एक साइड एच हुआ तो वो एल्डिहाइड ही होगा, और आपको पता है कि एल्डिहाइड में कैसा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दो, एक सबसे पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका टॉलेंस रिएजेंट है, हाइपोक्लोरस एसिड है, सिल्वर ऑक्साइड है, ये भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं एल्डिहाइड को, तो ये तो सुपरमैन है, ये तो ऐसे ही कर देगा। तो अगर एच लगा हुआ है तो प्रायोरिटी उसको दी जाएगी, 3 डिग्री है देन उसको प्रायोरिटी देंगे, देन 2 डिग्री को प्रायोरिटी देंगे, देन फिनाइल को प्रायोरिटी देंगे, और सबसे कम प्रायोरिटी मिथाइल या 1 डिग्री को दी जाएगी। बात समझ में आ रही है, तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो चलिए एक बार रैपिड रिविजन दे देते हैं 1 मिनट के अंदर। देखो हमने क्या सीखा, हमने सीखा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन आपको पता है बहुत मुश्किल है बट येट पॉसिबल है। 3 तरीके से ऑक्सीडेशन होता है, पहला हो गया अल्कलाइन KNO4 और नाइट्रिक एसिड, दूसरा ऑक्सीडेशन हमारे पास हो गया हैलोफॉर्म रिएक्शन जिसमें हमने हैलोजन लिया और अल्कली लिया था, और तीसरा हमारे पास लास्ट हो गया था क्या पर एसिड्स, इसमें हमने लिया था ट्राइफ्लोरोपेरॉक्सीएसिटिक एसिड और हमने लिया था मेटाक्लोरोपेरॉक्सीबेंजोइक एसिड MCPBA, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जेई में आ चुके हैं, एम्स में आ चुके हैं, ठीक है। फिर हमने इसके साथ ऑक्सीडेशन किया, प्रायोरिटी ली, डिफरेंट काइंड्स की बातें हमने की, किस तरीके से ऑक्सीडेशन होगा, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, हमने पॉप्स रूल को डिस्कस किया, वो मिथिलीन ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड होगा जो लार्जर एल्काइल ग्रुप का चेन का पार्ट होगा, तो ये सब बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस थे। तो अब मुझे जैसा लग रहा है अगर आपने बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुना होगा तो मैं 110% श्योर हूं कि आप कैसे भी कीटोन के ऑक्सीडेशन के प्रॉब्लम आएंगे आप इसको जरूर कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे, और यस आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो, ये आपके चेहरे पे स्माइल बता रही है इस बात को कि आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अगर आपको कोई अच्छे टॉपिक लगते हैं जहाँ डिफिकल्टीज आ रही हैं तो आप प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि हम उन्हीं टॉपिक्स को लेते हैं जिनको मैं क्लास में लेक्चर्स के ड्यूरेशन में मैं पाता हूँ कि वो टफ टॉपिक हैं, बच्चों को उनसे रिलेटेड क्वेरीज आ रही हैं, तो उन पे हम लेक्चर प्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम एक बहुत अच्छे एनर्जी के साथ, एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक यू।